हेलो दोस्तों, मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं ऑन ट्यूशन। तो आज हम क्लास 11th अल्टरनेटिव इंग्लिश बुक से एक पोयम लेकर आए हैं जिसका नाम है द लिसनर, और इस पोयम को लिखा है वॉल्टर डे लेमर ने। इस पोयम में एक ट्रैवलर एक सुनसान जंगल पे पहुंचता है जहां पे एक सुनसान सी हवेली होती है, और ये वहां पे इसलिए जाता है क्योंकि इसने कभी प्रॉमिस किया था किसी से कि ये लौट के आएगा। और यहां पे ये पहुंचने के बाद जो देखता है उसे बयां करने की कोशिश करता है। तो देखेंगे आगे पोयम में क्या होता है। पोयम को शुरू करने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें। और अगर आपको कोई भी क्वारी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या मुझे आप इंस्टा पे फॉलो करके मुझे पूछ सकते हैं कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरीज। तो चलिए लेसन को स्टार्ट करते हैं। पोयम की शुरुआत में हमें ये पता चलता है कि एक ट्रैवलर था जो कि एक सुनसान जंगल में एक पुरानी सी हवेली के सामने खड़ा होता है। उस हवेली के दरवाजे पे मूनलाइट गिर रही होती है और वो ट्रैवलर दरवाजा खटखटाता है और पूछता है कि कोई है वहाँ। तभी उसका जो एक घोड़ा था जिसपे वो चढ़ के आया था, वो घोड़ा घास चर रहा होता है, और वो माहौल इतना शांति प्रिय होता है कि वो घास खाने का आवाज जो है घोड़ा का, वो साफ सुनाई दे रहा होता है। आगे पोएम में हमें ये पता चलता है कि वो जो ट्रैवलर दरवाजा खटखटा रहा था, उसी खटखटाने के दौरान एक बर्ड जो है वो फ्लू करता है, यानी कि वो शायद हो सकता है उस घर के मीनार के ऊपर वो बर्ड बैठा हो और दरवाजा के खटखटाने के कारण वो उड़ के उस ट्रैवलर के सर के ऊपर से निकल जाता है। और ये जो इस तरीके से हमें फील दिलवाता है जैसे कि कोई हॉन्टेड मूवी चल रही हो, कि एक कोई ट्रैवलर जंगल में है, आवाज़ें लगा रहा है दरवाज़ा खोलने को लेकिन कोई बोल नहीं रहा है, और ऊपर से बर्ड्स इधर से निकल रहे हैं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग सी स्टोरी क्रिएट करने की कोशिश की गई है। तभी जो ट्रैवलर है दोबारा से कॉल करता है, दोबारा से नॉक करता है, वो पूछता है क्या वहाँ कोई है, लेकिन वहाँ से कोई जवाब नहीं आता। पोएम में हमें आगे ये पता चलता है कि वो जो ट्रैवलर नॉक करने के बाद वो वेट करता है, वो इंतज़ार करता है कि कोई ऊपर से झाके, कोई खिड़कियों से झाके, उन खिड़कियों से जिन खिड़कियों से पत्ते पूरा निकल रहे थे, यानी कि पेड़ पौधे जो है ना खिड़कियों से लिपटे हुए थे, अंदर से निकल रहे थे, यानी कि इससे हमें पता चलता है कि ये जो घर था वो बहुत वीरान था, बहुत पुराना था, लेकिन अभी भी जो ट्रैवलर था वो इंतज़ार कर रहा होता है कि कोई उसे देखे, है ना। यहाँ पे एक ग्रे आइज़ का इस्तेमाल किया गया एक वर्ड, ये ग्रे आइज़ जो है वो ट्रैवलर के लिए यूज़ किया गया है कि कोई तो उसे देखे, यानी कि उसके ग्रे आइज़ में, लेकिन वो कंफ्यूज्ड और मोशनलेस अभी भी खड़ा है। फिर हमें ये पता चलता है कि वो ट्रैवलर जो है ये बताता है कि वहाँ पे कोई नहीं था जो कि ट्रैवलर को सुन सके, ट्रैवलर को रेस्पॉन्स कर सके, सिवाय कुछ नंबर ऑफ फैंटम्स जो कि घोस्ट लिसनर्स के नाम पे यहाँ पे बताया गया है, फैंटम घोस्ट लिसनर्स, जो कि सुन तो सकते हैं लेकिन रेस्पॉन्स नहीं करते हैं, जो कि मूनलाइट में खड़े होके ट्रैवलर को सुन रहे हैं लेकिन रेस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये जो आवाज़ आ रही है वो एक जिंदा इंसान से आ रही है और वो जो सुन रहे हैं वो एक घोस्ट है। तो यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग सी स्टोरी बताई गई है, मतलब बहुत ही अच्छा मिक्सर किया गया है एक वर्ल्ड से दूसरे वर्ल्ड में। फिर हमें एक हॉल के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया जाता है कि उस घर के अंदर एक हॉल है, एम्प्टी हॉल है, जो कि अपस्टेयर यानी कि स्टेयर से ऊपर जाते हैं, और ऊपर अपस्टेयर्स में वो ग्रुप्स में खड़े हैं लेकिन रेस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं। और इस घर के अंदर वो जब मूनलाइट अंदर जाती है तो वो स्प्रेड हो जाती है स्टेयरकेस के पास, और वो जो स्टेयरकेस है वो नीचे आके एक एम्प्टी से हॉल में मिल जाती है। वो जो घोड़सवार था, वो जो ट्रैवलर था, वो जब आता है और वो जब नॉक करने लगता है, बुलाने लगता है, उसके पहले माहौल कुछ और था, वो घोस्ट जो थे वो अलग ही माहौल में थे, लेकिन जब वो ट्रैवलर नॉक करने लगता है, बुलाने लगता है, तो वो माहौल जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, और उस डिस्टर्बेंस को चुपचाप से वो फैंटम घोस्ट लिसनर जो है वो सुन रहे होते हैं, क्योंकि वो जवाब नहीं दे सकते क्योंकि वो घोस्ट हैं। बाहर जो घुड़सवार नॉक कर रहा था, बुला रहा था, उसे तो बिल्कुल पता नहीं कि अंदर घोस्ट लिसनर्स हैं,
और ना ही वो घोस्ट लिसनर्स ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अंदर कोई है, लेकिन वो जो फीलिंग होता है अंदर और बाहर का, वो लिसनर, वो ट्रैवलर जो फील कर पा रहा था कि अंदर कुछ तो है। वो ट्रैवलर ये कहता है कि मुझे नहीं पता कि अंदर क्या है, लेकिन हाँ इतना ज़रूर पता है उसे, अंदर कुछ तो ज़रूर है। ये जो ट्रैवलर है ये बार बार बुला रहा है किसी को और कुछ जवाब चाहता है, लेकिन वो जो लिसनर्स है, घोस्ट लिसनर्स, वो अपने स्टिलनेस से जवाब देने की कोशिश करता है। वो यकीन से तो नहीं कह पा रहा, लेकिन हाँ उसे ज़रूर कुछ ना कुछ तो फील हो रहा है जो कि स्ट्रेंज है उसके लिए। जैसा कि यहाँ बताया गया है कि उस घर के अंदर माहौल एकदम स्टिल है, शांत है, वहीं उसके ऑपोजिट घर के बाहर जो माहौल है वो थोड़ा सा उथल पुथल वाला है, क्योंकि वहाँ पे उसका जो घोड़ा था वो स्काई, लीफ कवर्ड स्काई, उसके नीचे वो चढ़ रहा था। और ऑफ कोर्स स्काई है, रात है, तो तारे तो चमक ही रहे होंगे। और यहाँ बताया गया वो जो जंगल है वो काफ़ी घना जंगल था। अब जो है वो घोड़सवार यानी कि ट्रैवलर और भी ज़ोर से नॉक करता है दरवाजे पे और ऊपर देखने की कोशिश करता है। वो ऐसे ऊपर देखता है जैसे कि वो पहले कभी यहाँ आया था और किसी ने ऊपर से ही उसे झांका था और उसे बातें किए होंगे। इस तरीके से वो ट्रैवलर रेस्पॉन्स करता है और वो ये कहता है नॉक करने के बाद कि कह देना कि मैं आया था। अब ये जो ट्रैवलर है कहता है कि कह देना कि मैं आया था, ये किसको कह रहा है और किसे कहना चाहता है, ये तो एक मिस्टीरियस है। तो इससे हमारे मन में बहुत सारे सवाल उठते हैं कि आखिर ये घुड़सवार कौन है, वो यहाँ क्यों आया है और वो किससे कहना चाहता है कि कह देना मैं आया था, और क्या उसे पता नहीं यहाँ कोई नहीं है? अगर उसे पता है तो वो क्यों रुका है यहाँ पे? तो कई सारे सवाल आते हैं हमारे मन में। आगे ट्रैवलर ये कहता है कि कह देना मैं आया था और मैंने अपना प्रॉमिस रखा है। तो इस बात से हमें ये पता चलता है कि ज़रूर है कि वो ट्रैवलर कभी पहले यहाँ आया होगा और उसने ज़रूर किसी को प्रॉमिस किया होगा कि वो दोबारा ज़रूर आएगा। ट्रैवलर जो है एक मैसेज छोड़ना चाहता है जाने के पहले कि वो आया था और अपना प्रॉमिस निभा के जा रहा है। हाउस के अंदर यानी कि घर के अंदर उस ट्रैवलर का एक एक वर्ड जो है ना गूंज रहा था, यानी कि इको हो रहा था और वो चारों तरफ गूंज रहा था, जो कि किसके द्वारा बोला जा रहा था? वहाँ एकमात्र जीवित इंसान द्वारा। और ये सब कौन सुन रहे थे? वो घोस्ट लिसनर्स। यहाँ पे दो वर्ल्ड क्रिएट करने की कोशिश की गई है, एक वो वर्ल्ड जहाँ पे कोई ज़िंदा नहीं है लेकिन जाग रहा है, और एक ऐसी वर्ल्ड जहाँ पे एक कोई ज़िंदा है और वो भी जाग रहा है। एक वर्ल्ड ऑफ फैंटम्स है और एक वर्ल्ड ऑफ मैन है। दोनों ही एक दूसरे के सामने हैं और दोनों ही एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं कि कौन है। अब जो है ट्रैवलर की जाने की वक्त आ गई है और ट्रैवलर घोड़े पे चढ़ता है, और ये घोड़े पे चढ़ने की आवाज़ वो घोस्ट लिसनर्स जो है वो सुन रहे थे। और जैसे ही घोड़ा आगे बढ़ रहा था उस आवाज़ को घोस्ट लिसनर्स सुन पा रहे थे। और जैसे ही वो ट्रैवलर वहाँ से चला जाता है वो माहौल फिर से बिल्कुल सा शांत हो जाता है। तो यहाँ पे समाप्त होता है ये स्टोरी। हमें ये पता चला कि ये जो पोएम स्टार्ट हुई एक मिस्ट्री से स्टार्ट हुई, और ये जो पोएम एंड होती है वो भी एक मिस्ट्री से एंड होती है। आशा करता हूँ आपको ये पोएम समझ में आया होगा। समझ में आया तो लाइक कॉमेंट शेयर करना ना भूले, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। हम जल्द ही हाजिर होंगे फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।